हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाला है मॉर्फोलॉजिकल आइडेंटिफिकेशन ऑफ द स्फैगुला। देखिए, वीडियो नंबर मेरा 6 है। इसके पहले मैंने सेना के ऊपर, कोरिनर के ऊपर, फिनल के ऊपर, कार्डमम के ऊपर, क्लॉप के ऊपर ऑलरेडी इसके मॉर्फोलॉजिकल आइडेंटिफिकेशन के बारे में वीडियो बना रखी है, और कहीं कहीं मैंने ट्रिक का भी प्रयोग किया है, जिसकी वजह से आपको कभी भूले मत उसका बायोलॉजिकल सोर्स और फैमिली। तो आप लोग उस वीडियो को चेकआउट कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा वो वीडियो। तो आज हम देखने वाले हैं दोस्तों, स्फैगुला के मॉर्फोलॉजिकल स्टडी के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले स्फैगुला को जानने से पहले आप लोग सबसे पहले समझिए होता क्या है। तो यहाँ पे आप लोग इसका डायग्राम देखिए, पहले फिगर देखिए। ये जो चीज़ आप लोग देख पा रहे होगे, ठीक है, ये है स्फैगुला, ठीक है। और आप लोग अगर मार्केट में जाते हो इस चीज़ को लेने, तो इस सब गोल की भूसी के नाम से मिलता है, ठीक है, जो कि कॉन्स्टिपेशन, पेट के लिए और भी पेट की काफ़ी सारी बीमारियों के लिए, लग्जेटिव के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग समझो इसका, कि इसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, ठीक है ना। तो देखो, टू स्टडी द, इसका ऑब्जेक्टिव जो है वो टू स्टडी द मॉर्फोलॉजी ऑफ द स्फैगुला, ठीक है। अब ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग सेम और सेम इसी तरीके से लिखना, जिससे कि आपको बेहतर तरीके से नंबर मिले। यहाँ पे देखो, मैंने प्रॉपर तरीके से चेक करवा रखी है फाइल, जो कि बहुत हद तक पूरी फाइल सही है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं इसके बायोलॉजिकल सोर्स की, तो वो होता है प्लांटाजो ओबाटा, क्या, PLANTAGO OVATA, प्लांटाजो ओबाटा। फैमिली की बात कर रहे हैं हम इसके, तो प्लांटाजिनेसी। देखिए दोस्तों, इसका फैमिली और बायोलॉजिकल सोर्स काफ़ी मिलता जुलता है। जैसे बायोलॉजिकल सोर्स इसका स्टार्ट हो रहा है प्लांटाजो ओबाटा अर्थात पी से, और फैमिली भी स्टार्ट हो रही है इसकी पी से, ठीक है ना। तो प्लांटाजो और प्लांटाजिनेसी, ठीक है ना। तो ऐसे आप लोग इसको रिकॉल कर सकते हो, प्लांटाजो ओबाटा और प्लांटाजिनेसी इसकी फैमिली है, ठीक है ना। अब बात आती है, देखो यहाँ पे ये मॉर्फोलॉजी में आपको बेसिकली दो चार चीज़ें ही देखनी होती है। मॉर्फोलॉजी अगर आप लोग एक किसी भी ड्रग का अगर आप लोग मॉर्फोलॉजी याद कर लेते हो, उसकी बेसिस पे आप लोग बना करके लिख सकते हो, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं प्लांटाजो ओबाटा के अर्थात स्फैगुला के, अगर हम मॉर्फोलॉजी की बात करें, तो क्या होता है, बोट शेप होता है इसका, ठीक है। बोट शेप, देखो कैसे बोट शेप, आप लोग नाव देखते हो ना, नाव ऐसे रहता है, ठीक है, ऐसे करके और ऐसे कर्व कर रहे थे, इसको हम बोलते हैं बोट शेप, ठीक है ना। तो ये बोट शेप का रहता है, एलिप्टिकल होता है, ग्लॉसी सरफेस होता है, ठीक है, थोड़ा सा चपटा होता है इसका, और पिंक टू ब्राउन कलर होता है, ठीक है ना। पिंक टू ब्राउन जो है इसका कलर होता है। अब देखो पिंक टू ब्राउन ये क्यों कह रहा है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देखो, पिंक टू ब्राउन का मतलब क्या हुआ, ये देखो, ये जो आप लोग बीच में देख पा रहे हो ना, किसी एक को अगर देखते हो, ये जो बीच में देखोगे ये सरफेस, ये होता है इसका पिंक, ठीक है। और इसका ऊपरी सरफेस जो होता है, ये उसका ऊपरी सरफेस है, ठीक है, ये होता है ब्राउन। तो इसलिए बोल रहा है पिंक टू ब्राउन इसका होता है जो कलर होता है, ठीक है। एंड यहाँ पे अगर हम बात करते हैं ऑर्डर की, तो ऑर्डर जो होता है इसका नन होता है, मतलब जो है अगर आप लोग इसको अगर इसका आप लोग स्मेल टेस्ट करते हो, ठीक है ना, स्मेल लेते हो, तो नन, यानी कि किसी भी तरीके का स्मेल इसमें से नहीं आता है। टेस्ट की बात करें तो ये होता है म्यूसिलोजेनेसिस टेस्ट, ठीक है ना। अब चलो, अब देखो मैं आपको हालांकि हर वक्त बताते हुए आया हूँ, कि जो भी आपको मैं यहाँ पे जो मॉर्फोलॉजी स्टडी करवा रहा हूँ, ये प्रैक्टिकल का तो करवा रहा हूँ, साथ साथ ये थ्योरी में भी आपका काम देगा, ठीक है, थ्योरी में भी आपका ये है। तो थ्योरी में आपको क्या करना होता है, केवल बायोलॉजिकल सोर्स, फैमिली, और यहाँ पे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंस और यूज करना होता है, ठीक है ना। तो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंस इसका आप लोग देख लो, क्या क्या इसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंस है। जैसे यहाँ पे देखना आप लोग ज़रा, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंस में आप लोग क्या लिखोगे, अप टू 30% हाइड्रोक्लोराइड पॉलीसेकेराइड कार्ल्ड पेंटासोन, ठीक है ना, हाइड्रोक्लोराइड पॉलीसेकेराइड कार्ल्ड पेंटासोन अप टू 30%, मतलब 30% से ऊपर इसमें हाइड्रोक्लोराइड पॉलीसेकेराइड पाया जाता है, जिसको हम पेंटासोन के नाम से जानते हैं, ठीक है। इन हैच डी गैलेक्टोज एंड डी गैलेक्टोनिक एसिड फिक्स्ड आयन एक्विन एंड ग्लाइकोसाइड। देखो यहाँ पे चार पांच आपको केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंस मिल रहे हैं, ठीक है ना, ये सारे सारे आप लोग याद कर लेना। और अगर आपको एग्जाम टाइम में दो ही अगर याद आता है, तो दो में आपको अच्छा खासा नंबर मिल जाता है, ठीक है ना। चलो अब थोड़ा और हम नीचे की तरफ बढ़ते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं इसका यूज क्या है। तो देखो इसका यूज जो होता है बल्क लग्जेक्टिव के रूप में किया जाता है। देखो लग्जेक्टिव होता है पेट, जो आपके जीआईटी ट्रैक में किसी भी तरह का जो है प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है ना, तो उसको जो सही करने के लिए, जैसे मान लो कॉन्स्टिपेशन हो गया, ठीक है ना, बाउल बाहर ना निकल जाए, तो क्या करता है ये लग्जेक्टिव जो होता है, वो क्या करता है, बाउल को बाहर निकाल देता है, ऐसे बिल्कुल सॉलिड करके बाहर निकाल देता है, ठीक है। इमोलियंट होता है, डिमुलसेंट होता है, एमाइबिक और डिसेंट्री मतलब पेचिस जो होता है उसमें भी बहुत ज़्यादा काम आता है, कॉन्स्टिपेशन में काम आता है, डायरिया बहुत बार क्या होता है कि डायरिया होता है, पेट झड़ने लगता है, तो उस स्थिति में आप लोगों ने देखा होगा कि कहते हैं ये सब गोल की भूसी जो आती है
आप लोगों ने काफ़ी बार सुना होगा मेडिकल स्टोर में या किराना की शॉप पे भी क्या होता है, ये मिल जाता है। इसको हम बोलते हैं इसबगोल की भूसी, ठीक है ना। तो इस नाम से आपको मार्केट में इसका प्रिपरेशन मिल जाता है, जो कि बहुत हद तक ये काफ़ी हद तक जो है वो डायरिया को कंट्रोल करता है। देखो मैं आपको इसका फिगर दिखा देना होगा, इसबगोल की भूसी को कैसा होता है। देखो इस नाम से आता है सत इसबगोल के नाम से, ठीक है। यहाँ देखो फिलियम हंस के लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो इसी को हम बोलते हैं इसफैगुला, ठीक है। और कुछ हम इसके और यूज के बारे में जानते हैं, तो ओबेसिटी में भी यूज किया जाता है, ठीक है। और इसको ऐसे टिपिकल टाइप टू डायबिटिक में यूज किया जाता है। अगर टाइप टू का डायबिटीज जो है, डायबिटीज मेलाइटिस जो होता है, उसमें भी इसका यूज बहुत हद तक किया जाता है। उसके बाद इसका यूज किया जाता है वो कॉस्मेटिक में यूज किया जाता है। तो ये तो हो गए सारे के सारे आपके एक्सपेरिमेंट, और ये हो गए दोस्तों आपके डायग्राम जो बनाना है आपको। देखो ये डायग्राम है बनाने, ये केवल आपको फाइल में ही बनाना है, बाकी आपको इसका जो है एग्ज़ाम में नहीं आता है ये बनाने के लिए, ठीक है ना। एग्ज़ाम मतलब कि थ्योरी एग्ज़ाम में नहीं आता है ये बनाने के लिए, ठीक है ना। तो देखो ये सारे सारे प्रैक्टिकल जो हैं आपके ये इस फैगुला के थे। फाइल को कैसे रेडी करनी है इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कीजिएगा, उसमें आपको बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलेंगी। चलिए आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया होगा चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा।